और एडिट बचपन में आपने तो इस तरह का नाव बहुत आपने बनाए होंगे और चलाए भी होंगे, और कुछ इस प्रकार से पानी में चलता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत ही छोटा साइज है, आप देख सकते हैं पूरा हथेली के साइज पे है। और लेकिन क्या होगा इससे हम अगर बड़ा नाव बनाएंगे, तो आज मेरे पास है बड़ा सीट है, तो पेपर का सीट है कुछ बहुत बड़ा है, और इसे बनाएंगे नाव और फिर चलाकर देखते हैं किस प्रकार से चलता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो पेपर का ऊपरी सतह है ये चिकना है और इसमें प्लास्टिक का भी कुछ अंश है, तो हम कोशिश करेंगे कि यही सतह नीचे रहे। और यहाँ का देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा रफनेस है, यहाँ पे अगर पानी में जैसे डालेंगे तो ये जल्दी भींग जाएंगे। पेपर मेरा था एक लंबा हो जा रहा था, बहुत लंबा, तो हमने क्या किया इसका साइड से काट दिया और ये साइड से काट दिया, और फिर इसके साइड में हमने जोड़ के इसको बढ़ा देंगे। और पेपर अभी भी बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं अप्रोक्स 6 फीट होगा। और चौकी से बड़ा ही था पेपर, लेकिन अब छोटा हो चुका है, इसे पकड़ो। और ये रहा नाव, और भाई ये इतना बड़ा है नाव। और अब इसे खोलते हैं बीच से। यहाँ पे एक खुल जा रहा है, तो इसमें हमने तार का इस तरह से बनाकर इसे लॉक कर देंगे। आधा घंटा मेहनत के बाद हमने फाइनली नाव को तैयार कर दिया। यहाँ बीच का इसका जो कुंडी है नहीं खड़ा हो रहा, तो हमने यहाँ से यहाँ टेक दे दिए हैं, तो अभी खड़ा है। और फिर लेकर चलते हैं इसे पानी के अंदर और देखते हैं किस प्रकार से काम करता है। करने का, तो यहाँ पे सिंपली बहुत तेज धारा है, तो यहाँ पे थोड़ा स्थिर धारा में लेकर आते हैं इसे। तो भाई सिंपली अब इसे चलाते हैं पानी के अंदर, और मुझे भी पता नहीं है क्या होने वाला है इसके साथ। तो ये गया इसके पानी के अंदर। ओह भाई सच में चल रहा है, और इसे थोड़ा सा धक्का देते हैं, पीछे करते हैं। ओ ये सही में काम कर रहा है भाई, जिस तरह से हमने सोचे थे उस तरह से ही काम कर रहा है। अब देख सकते हैं किस तरह से नाव तैर रहा है, और ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। उस बार क्या था, नाव हथेली के बराबर था, और ये कई गुना ज्यादा उससे।
और भाई ये अभी तक सही सलामत है, इसे हम सबसे बाहर निकाल लेते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे देखे पानी भी आ गया थोड़ा थोड़ा, और ऊपर लेकर चलते हैं इसे। ओहो, और भाई करीब पानी में 2 मिनट तक रहा है और इसमें पानी भी आ गया है। यहाँ पे देखिए नाव के ऊपर पानी आ गया है। और भाई अब लेकर चलते हैं इसे बीच धारा में। देख सकते हैं नाव बिल्कुल बीच में चला गया है, और यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है इसलिए हम इसके बीच में नहीं जा सकते हैं। और भाई साहब नाव वहां तक चला गया है जो कि हमने वहां से इसे चलाए थे, नाव वहां पे हमने इसे पानी में बीच धारा में डाले थे और यहाँ से इसे तैरते तैरते नाव अभी वहां तक चला गया है। अरे लौंडो, वो लोग नाव के साथ छेड़छाड़ कर रहा। और यहाँ से भी चैनल का नाम अभी तक दिखाई दे रहा, नाव काफी दूर चला गया। और राइट गाइस, इस चीज के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाव को हमने वहां से उस पॉइंट से छोड़े थे और अभी नाव वहां पे चला गया है, तो क्या आप देख सकते हैं बढ़ते बढ़ते वहां पे चला गया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी। अगर आई हुई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।